हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल, आपका चैनल और हम सबका चैनल। मैंने सोचा कि मैंने बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाया, तो चलो कुकिंग वीडियो डाल देता हूँ। अब मैंने कहा कि टमाटर, प्याज और कढ़ाई रख रहा हूँ मैं चूल्हे पे। उसमें डालूंगा चम्मच घी, उसमें डालूंगा थोड़ा सा जीरा, फिर डालूंगा अपना लहसुन और अदरक जो मैंने काटा था अपने हाथों से। सब भुनेंगे और भुनते रहेंगे। उसके बाद डाला थोड़ा सा प्याज, यानी कि एक प्याज। उसको भी भुनना जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता है। उसके बाद ये तो हो गया ब्राउन। अब डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च माय फेवरेट। अब थोड़ा सा मसाला डालते हैं, कोरिएंडर पाउडर डाला। अब उसके बाद डालेगा स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद डालेगा लाल मिर्च। डालेंगे मेन आइटम जिसकी हम सब्जी बनाने वाले हैं, वो चिकन। और उसके साथ डालेंगे किचन किंग का मसाला, इसके बिना खाना नहीं मजा आता। और उसे भुनेंगे। उसके बाद थोड़ा पानी डालेंगे और उसके बाद इसे ढक देंगे। इतना बनाते हैं रोटी। मैंने डाला आटा, दो टाइप के आटे हैं ये, एक है व्हीट आटा, एक है गेहूं का आटा, यानी कि दोनों सेम आटे, बस कलर डिफरेंट है, बिकॉज एक है पता नहीं पापा ने दिया था। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि रोटी गोल से गोल बनाए, देखते हैं कितनी रोटी गोल बनती है। हमने चलाया बेलन और हेलो हाय कर तो अच्छा वो रोटी बने ना बने, लेकिन मैं गोल घूम लेता हूँ। कोई बात, अरे भाई ये कौन सा नक्शा बन गया गोल गोल के चक्कर में। कोई नहीं, खाना तो है और मैंने ही खाया तो कोई टेंशन नहीं है। सब्जी भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार है। ये पलटी मैंने रोटी और ये घुमाई पूरी सब्जी और ये रही मेरी प्लेट। लुक्स गुड, फूड लुक्स गुड। ये तीन रोटियां और हरी मिर्च और प्याज के बिना तो मैं खाना खाता ही नहीं। और ये रही चिकन की सब्जी, लेट्स ट्राई। ओके, ये क्या, और वाह क्या बात है। थोड़ा सा प्याज खाते हैं, हरी मिर्च भी खाते हैं। ओहो मजा ही आ गया, क्या बात है, क्या खाना बना है, डिलीशियस।